सो ओके, एक सिचुएशन की कल्पना करो, तुम पर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है, बट कोई टेंशन नहीं क्योंकि हम पे फॉर्ड कैरेक्टर है, सो डैमेज खाने पर ऑटोमेटिकली हील होता रहेगा। अब भाई अगर मार कुछ ज्यादा ही पड़ रही है तो सिंपली तुम लोग ग्लूबल लगाओगे अपने सुरक्षा के लिए। अब अगर तुम्हारा पाला किसी पागल बंदे से पड़ा है तो वो ग्लूबल तोड़ के मारने के लिए भी तैयार रहेगा, और ऐसे में वो ग्लूबल पे अंधाधुन फायर करेगा, और उसके ही विपरीत यहाँ पर तुमको अंधाधुन एचपी मिलता रहेगा क्योंकि हमने लगा रखा है नायरी कैरेक्टर। तो ऐसे में बंदा ग्लूबल पे फायर करे या फिर हम लोग खुद, दोनों परिस्थिति में ग्लूबल हमको एचपी देगा। अब मेरे भाई तुम लोग इतने भोले तो हो नहीं कि सामने वाला बंदा तुमको मारे जाएगा और तुम लोग अपना मरवा, जो भी हो मतलब तुम भी तो मारोगे ना भाई। और ऐसे में हमने लगा रखा है जोटा कैरेक्टर, जैसे ही दुश्मन को डैमेज देंगे उल्टा हमें एचपी मिलता रहेगा। अब अगर तुमसे फाइट वाइट नहीं हो रहा, तुम अपने रैंक को बचाकर पतली गली निकलना चाहते हो, सो ऐसे में तुम लोग निकल सकते हो क्योंकि हमने लास्ट में लगा रखा है लियोन कैरेक्टर। ये भाई साहब क्या बोलता है, तुमको फाइट वाइट की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से, मैं तुमको एचपी देता हूँ। कुछ समझे मेरे भाई, डैमेज पड़ने पर फॉर्ड तुमको एचपी देगा, सुरक्षा के लिए ग्लूबल लगाओगे तो नायरी तुमको एचपी देगा, तुम अगर बंदे को मारोगे तो जोटा तुमको एचपी देगा, और फाइट से दूर भागोगे तो लियोन तुमको एचपी देगा। मतलब हर परिस्थिति में एचपी, एचपी कभी खत्म ही नहीं होगी, और इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को मैंने शेयर किया था पार्ट वन वाली वीडियो में, और ऐसे ही और भी चमत्कारी कॉम्बिनेशन जिसको शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। स्वागत है भाई लोग तुम सभी का डार्क टिप्स नामक इस यूट्यूब चैनल में। भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक दिल की बात बताता हूं। तुम लोग यार मुझे दिल से सपोर्ट करते हो और मैं तुम लोगों के लिए खास ऐसा कुछ कर नहीं पाता। देखो मुझे आए दिन बहुत ऐसे कमेंट देखने को मिलता है जहां पर बंदे बोलते हैं डार्क भाई मुझे आपके वाला बनी बंडल गिफ्ट कर दो, फिर कोई बोलता है डार्क भाई मुझे रेड वाली जर्सी टी शर्ट गिफ्ट कर दो, बट मैं पर्सनली किसी एक को नहीं गिफ्ट कर पाता यार। बट अब तुम लोग सारे बंडल्स को एकदम फ्री में ले सकते हो जी बिल्कुल, और डायमंड भी टॉप अप कर सकते हो। देखो कुछ नहीं करना, तुम टाइटल पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाना, वहाँ पर डाउनलोड एंड गेट 550 लिखा होगा, उस पर क्लिक करना जी बिल्कुल। डाउनलोड करते ही 550 का बोनस मिल जाएगा, सो डाउनलोड करके विंजो को इंस्टॉल कर लेना और किसी एक नए नंबर से रजिस्टर कर लेना। नए नंबर मतलब जिसमें पहले तुमने कभी विंजो नहीं खेला हो, जैसे कि मैंने अपने नंबर से किया है, सो तुम लोग भी कर लेना और कोई भी एक गेम खेल लेना, लाइक फ्री पेड बहुत सारी गेम्स है, सो कोई भी एक फ्री गेम खेल लेना। गेम खेलते ही तुमको 550 रुपया मिल जाएगा, और ऐसे ही तुम लोग जितना गेम खेलोगे उतना ज्यादा पैसे जीतते जाओगे। और हाँ तुम्हारा भाई भी इधर है, मैं भी गेम खेलता हूँ, सो आ जाना तुम लोग भी, और जीते हुए पैसे को तुम लोग अपने अकाउंट में ले सकते हो, या फिर तुम लोग डायरेक्ट रिडीम कोड ले सकते हो, या फिर तुम लोग डायरेक्ट टॉपअप भी कर सकते हो। सो बहुत सही चीज है यार, जाओ और डाउनलोड कर लो। तो चलो शुरुआत करते हैं एक और अनलिमिटेड एचपी कॉम्बिनेशन से। इस कॉम्बिनेशन को लगाकर तुम लोग आराम से 300 एचपी लेकर घूम सकते हो। वेरी गुड। और अगर गलती से भी किल वगैरह कर लिया तो तुम्हारा एचपी तो 300 से बढ़कर 350, 400, 450 तक चला जाएगा। खाओ माँ कसम। सबसे पहले तुमको यूज करना है लुकेटा कैरेक्टर, ये तुम्हारे 200 एचपी स्लॉट को बढ़ाकर कर देता है 250, लेकिन बस एक कंडीशन होता है, तुमको 2 किल करना पड़ेगा। और मुझे पता है भाई तुम लोग डार्क आर्मी के सदस्य हो, सो 2 किल तो यूं ही कर लोगे। या, या, या। सो यहाँ पर हमारा एचपी 200 से बढ़कर 250 हो चुका है। अब हमको लगाना है एंटोनियो, ये बंदा तुमको एक्स्ट्रा 30 शील्ड पॉइंट देता है, साधारण शब्दों में एचपी के ऊपर एक और एचपी। ऐसे में जब भी कोई दुश्मन तुम पर हमला बोलेगा तो सर्वप्रथम ऊपर वाली एचपी माइनस होगी, फिर नीचे वाली, ओवरऑल 30 एक्स्ट्रा एचपी। मतलब पहले था 250 और अब आ गया और 30 एक्स्ट्रा एचपी, मतलब 280 एचपी। और रुको रुको रुको, अभी और 2 स्लॉट बाकी है, ये 280 एचपी को 400 तक पहुंचाएंगे। चीटिंग 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 करता है तू। सो ओके, यहाँ पर एक एक्टिव स्किल यूज कर लेते हैं जो कि है जैन कैरेक्टर, ये 60 एक्स्ट्रा एचपी देता है जी बिल्कुल 60। Not bad. और लास्ट में यहाँ पर यूज कर सकते हो तुम लोग जोटा या फिर सैनी। जोटा का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जब भी तुम लोग सामने वाले को डैमेज दोगे ये तुमको हील करता रहेगा। बट अगर सैनी यूज करोगे तो ये तुमको 50 शील्ड पॉइंट देती है, बट तब तक जब तक कोई एक्टिव स्किल कैरेक्टर ऑन रहेगा। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग कौन सा यूज करना चाहते हो, जोटा या फिर सैनी, हमको नहीं पता। ओवरऑल सभी कैरेक्टर के दिए हुए एचपी को अगर ऐड किया जाए, पहले था 280, फिर जैन ने दिया 60 और सैनी ने 50, मतलब 390 एचपी। और अगर गेम में लॉट आउट लेकर जाओ तो वहाँ पर एक्स्ट्रा और 30 एचपी, मतलब भाई 420 एचपी। वाव, ग्रेना क्या कैरेक्टर बनाता है उसको खुद नहीं पता। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है भाई लोग सुपर डैमेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अक्सर तुम लोग सीएस में या फिर रैंक में ऐसे कंडीशन को जरूर फेस किए होंगे जहां पर तुमको कोई बंदा अचानक से कुछ सेकंड में नॉक कर देता है, वो भी बॉडी शॉट में। जी बिल्कुल, और तुम लोग सोचते हो भाई कौन सा गन यूज कर रहा है यार इतना ज्यादा डैमेज। सो भाई लोग इसके पीछे हाथ होता है एक परफेक्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का। So, ऐसा सुपर इफेक्टिव सुपर डैमेज कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर तुमको यूज करना है काइरोस। ये कैरेक्टर मैक्सिमम 7-8 बुलेट लेता है किसी भी भेष को तोड़ के फेंकने के लिए। मतलब भाई मुझे समझ नहीं आता ग्रेना ने इतना पावरफुल पैसिव स्किल कैरेक्टर क्यों बनाया। अब देखो काइरोस तुरंत वेस्ट को तोड़ देता है, डैमेज बढ़ा देता है और उसका ही साथ देगा उसका ही छोटा भाई हायातो। हायातो का काम भी सिमिलर सा है, ये भी वेस्ट को पेनिट्रेट कर देता है और खुद अगर कम डैमेज में हो तो सामने वाले को ज्यादा डैमेज देता है। और ऐसे में अगर तुम लोगों ने थर्ड स्लॉट में मारो लगा लिया तब तो भाई इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मारो का बस वही काम है लॉन्ग रेंज में ज्यादा डैमेज देना। अब देखो ये तीनों कैरेक्टर मिलके तुम्हारे गन्स की डैमेज को इतना ज्यादा बढ़ा देगा तुम लोग सोच नहीं सकते। अब भाई लोग लास्ट में तुम लोग बस लूना लगा लेना, क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा डैमेज दे ही रहा था और यहाँ पर लूना तुम्हारे रेट ऑफ फायर को करेगा 2 गुना। मजा आया। और हाँ, इस कॉम्बिनेशन में तुम लोग मारो या फिर हायातो के जगह कोई भी अपना फेवरेट एक्टिव स्किल कैरेक्टर भी लगा सकते हो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। नेक्स्ट कैरेक्टर लेस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन या फिर कह सकते हो अनफेयर सीएस कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा बन गए भाई, थोड़ा बुरा बनने का वक्त आ चुका है। एकदम बहुत बढ़िया सीएस प्लेयर के लिए अनफेयर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। सबसे पहले नो डाउट काइरोस लगाओगे, ये वेस्ट को पेनिट्रेट करेगा, डैमेज बढ़ाएगा, साथ में इसका एक और एबिलिटी है जो की है अनलिमिटेड ईपी देना। जी बिल्कुल, काइरोस तुमको भर भर के ईपी देता है। अब तुम लोग सोचोगे डार्क भाई ईपी का क्या करेंगे सीएस रैंक में। सो देखो ईपी का तुम लोग कुछ नहीं करोगे, करेगा जस्टिन बीबर। तुम तो भाई काइरोस के यूज से सामने वाले को बढ़िया डैमेज दोगे, बट अगर सामने वाले के पास भी काइरोस हुआ तो यस, तुम्हारे एल लगने से बचाएगा तुमको जस्टिन बीबर। ये एक डिफेंसिव कैरेक्टर है जो ईपी के यूज से तुम पर डैमेज पड़ने ही नहीं देता, और क्योंकि हमने काइरोस लगा रखा है सो कभी हमारी ईपी खत्म ही नहीं होगी। ऐसे में ग्रेना खुद अपने ही बनाए हुए कैरेक्टर में फंस गया। अब यहाँ पर तीसरे और चौथे स्लॉट में क्या कैरेक्टर लगाएंगे ये पूरा पूरी डिपेंड करेगा तुम लोग गेम कैसे खेलते हो। मतलब तुम लोग सीएस रैंडम खेलते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। अगर तुम लोग रैंडम खेलते हो तो सोनिया दिमित्री एकदम फिक्स, क्योंकि रैंडम बंदों से हम लोग रिवाइव की आशा नहीं रख सकते। और अगर दोस्तों के साथ खेलते हो तो वुल्फ्रा या फिर थीवा लगा लेना। और लास्ट में एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर जो तुमको पसंद है, वुकोंग, ओरियन, फ्लैश, कुछ भी यूज कर सकते हो। ये भाई वन ऑफ द बेस्ट सीएस रैंक कॉम्बिनेशन है, यूज करके देखना, सामने वाला बंदा तुमको गाली देकर जाएगा। तो भाई लोग ये था आज के कुछ चमत्कारी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार के वीडियोस आती रहती है। सो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।